हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेरी। फर्स्ट ऑप्शन इज टेलोफेज, सेकंड ऑप्शन इज मेटाफेज वन, थर्ड ऑप्शन इज मेटाफेज टू एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनाफेज टू। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेजेस ऑफ मियोसिस। इट इज द रिडक्शनल डिवीजन जहाँ पे एक मदर सेल को चार हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाने में यूज होता है। फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं, एंड देर आर मेनली टू स्टेजेस ऑफ दिस मियोसिस। फर्स्ट स्टेज होता है मियोसिस वन, एंड सेकेंड स्टेज होता है मियोसिस टू। मियोसिस वन में फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में मेनली रिकॉम्बिनेशन होता है बाय पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट फेज होता है मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में द होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर स्टिल पेयर्ड टुगेदर, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर। एंड यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटो कोर्स पे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू दी काइनेटो कोर्स ऑन द सेंट्रोमेर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट होता है एनाफेज वन। एनाफेज वन में देर इज मेनली दी सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, बट द सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे रिमेन अटैच्ड एट द सेंट्रोमेर। दे रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमेर। मियोसिस वन का लास्ट स्टेज होता है टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। नेक्स्ट होता है मियोसिस टू। मियोसिस टू में भी फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज टू। ड्यूरिंग प्रोफेज टू ये इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस होता है। फ्रॉम मियोसिस वन एंड वापस यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। सेकेंड होता है प्रोफेज टू, सेकेंड होता है मेटाफेज टू, मेटाफेज टू में फिर से जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर।
क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर. एंड माइक्रोट्यूबल्स जो है वो काइनेटोकोर पे बाइंड करते हैं. माइक्रोट्यूबल्स बाइंड टू काइनेटोकोर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रोमेयर. थर्ड स्टेज होता है एनाफेज टू. एनाफेज टू में जो सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स. एंड यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स. लास्ट यहाँ पे होता है टीलोफेज टू. टीलोफेज टू में क्रोमोसोम्स आर एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलोप एंड इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस विच अल्टीमेटली फॉर्म्स फोर हैप्लॉइड सेल्स. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर पूछा. टीलोफेज में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होता, रादर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस रीअपियर करता है एंड देयर इज द डीकंडेंसेशन. फेज वन में देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज टू में द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एंड यही जो क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं इनका सेंट्रोमेयर डिवाइड करता है एट द एनाफेज टू, जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट. सो यहाँ पे सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.